हेलो एवरीवन, हम क्लास सिक्स विज्ञान एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास सिक्स विज्ञान की, वो विज्ञान को लेकर के आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है भोजन के घटक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमें ये बताता है कि वो भोजन जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की गई है हमारे भारत के 2 राज्य पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन से खाद्य व्यंजन या कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं उनकी तुलना के साथ में, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यंजन जो है वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है, और ये जो कच्ची सामग्री है वो हमें या तो पादपों से मिलती है या फिर हमें जंतुओं से मिलती है। ये बात जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी कच्ची सामग्री होती है, ये जो भी कच्ची सामग्री होती है जिससे मिलकर के हमारे व्यंजन बने होते हैं, इस कच्ची सामग्री में कुछ घटक होते हैं और इन घटकों को बोलते हैं पोषक। ये जो घटक है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, और इन भोजन के मुख्य पोषक के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि हमारे भोजन में सिर्फ जो मुख्य पोषक हैं वो ही अवेलेबल होते हैं, तो आपको बताना है कि नहीं, इसके अलावा रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट शामिल है, प्रोटीन शामिल है या फिर क्या शामिल है? तो इन चीज़ों का पता लगाया जाता है परीक्षण के थ्रू। जैसे कि सबसे पहले बताया गया है कि हमारा जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर मंड और शर्करा के रूप में प्रेजेंट होता है। तो मंड के परीक्षण की यहाँ पर की गई है कि मंड का हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कच्ची सामग्री या खाद्य पदार्थ लेना है, फिर उस खाद्य पदार्थ में आपको तनु आयोडीन विलयन जो है उसकी 2-3 बूंदें डालनी है। अगर खाद्य पदार्थ नीला या काला रंग में परिवर्तित हो जाता है तो समझ लो उस खाद्य पदार्थ में मंड की उपलब्धता है या फिर उपस्थिति है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन की, कि प्रोटीन का आपको कैसे पता चलेगा। तो कोई भी खाद्य पदार्थ जो है, अगर उसको पहले आपको क्रश करके उसको थोड़ा सा पेस्ट बनाना है उसका, फिर उसको एक परख नली में लेकर के उसमें पानी डाल के उसको एकदम से ऐसे लिक्विड बना लेना है, और फिर ड्रॉपर की सहायता से उसमें आप डालिए 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा। अगर वो खाद्य पदार्थ जो है वो बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है तो समझ लो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। सेम इसी तरीके से वसा के लिए भी हम परीक्षण कर लेते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ आप लेकर के एक कपड़े में उसको रखिए, फिर उसको आप कूटिए। वो कूटने के बाद में अगर आपको लगता है कि उस कपड़े के ऊपर तेल जैसे कुछ निशान बन गए हैं तो समझ लो उसमें वसा जो है उस खाद्य पदार्थ में अवेलेबल है। अब हमने क्यों डिस्कस किया और इन खाद्य पदार्थों में इन पोषकों की क्या एक तरीके से अगर उपस्थिति है तो उसका क्या हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे। कि भोजन में खाद्य पदार्थों में अगर ये सारे अवेलेबल हैं तो कौन सी चीज़ जो है वो हमारे शरीर को क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपकी जो इमेज जो आपको दिख रही है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इन सभी के स्रोत जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है तो उनमें से आप देख करके व्यू कर लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो खाना है वो शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन से पोषक से हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा है तो वसा से हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। मतलब लोगों को लगेगा कि वसा ही वसा खाओ, घी घी खाओ, लेकिन इसका एक फिर रिजल्ट भी आता है, मोटापा जो है, ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन जो है वो आपको ऊर्जा देने वाला भोजन है। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा है वो आपको ऊर्जा देगा, उसको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब बात आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। इसलिए जो प्रोटीन है उसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत है, इसलिए उसको शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों,
दांत मसूडो इनको स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विटामिन और खनिज लवण जो है उसकी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब बताया गया है कि विटामिन ए जो है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ओके, अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो कैल्शियम है उसका उपयोग करने में विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है। अब यहाँ पर इसी तरीके से जो खनिज लवण हैं उनके भी स्रोत शो कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं खनिज लवणों की, तो खनिज लवणों की भी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि जो खनिज लवण और विटामिन जो है इनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है, दोनों की ही हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर बता रखा है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब एक खाद्य पदार्थ से दूसरे खाद्य पदार्थ में पोषकों की जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। तो आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको ये भोजन ज़्यादा लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना भोजन जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम ये बोलें तो बहुत ही कम प्राइस में आप एक हेल्दी खाना जो है, संतुलित आहार जो है, खा सकते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों मतलब वृक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। ये जो आहारी रेशे हैं इनको वृक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, मतलब 99% जो है वो पादप पेड़ों से जो हमें उत्पाद मिलते हैं, फल सब्जी, इनसे होती है इसकी पूर्ति। वृक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वृक्षांश से हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, भोजन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, ये इनका इम्पोर्टेंस है। अब बात आती है पानी की, तो पानी जो है, जल जो है, वह हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब हमने भोजन खाया, भोजन से जो हमें पोषक मिले उनको हमारे शरीर को वो चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी, उसमें जल जो है वो इसकी जो सहायता करता है हमारे शरीर की। ये जो जल जो है, पानी जो है, वो अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है, मतलब यूरिन को और स्वेट को जो है बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। पानी जो है वो ना सिर्फ हम डायरेक्टली पानी पीते हैं उससे कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा जो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, इन सभी में वाटर की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बता रखा है कि संतुलित आहार क्या होता है, वो खाना जिसमें सारे के सारे पोषक हों, इसके अलावा वृक्षांश और जल भी उसमें शामिल हो, तो वो होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार सभी को लेना चाहिए, जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। इसमें ये भी बताया गया है कि आप सभी को पता है कि खाना पकाने से खाने की जो स्वादिष्टता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन खाना जो पकाना है वो भी तरीके से पकाना है। मतलब जैसे कि बहुत बार कैसे होता है कि हम सब्जियों को छील करके फिर उसको धो देते हैं, तो इससे उसके जो खनिज लवण है, उसके जो पोषक हैं, वो खत्म हो जाते हैं। विटामिन सी जो है उसको ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसी सब्जियाँ या ऐसे फल या ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी होता है, अगर उसको ज़्यादा देर तक गर्म किया जाता है तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। चावल दालों को ज़्यादा अगर हम धोते हैं तो उससे भी उनके पोषक जो हैं वो निकल जाते हैं। तो खाना बनाने के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि तरीके से हम खाना बनाएं, तेज आंच पर खाना ना बनाया जाए, क्योंकि इससे उसके पोषक जो हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो, लोग बोलते हैं कि देखो शरीर को चलाने के ज़्यादातर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो लोगों को लगता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक पर्सन ने सोचा क्यों ना क्यों मैं तो सिर्फ वसायुक्त खाना ही खाना खाऊं, तला हुआ खाना, ये चीज़ें खाऊं जिससे मुझे जो है एनर्जी मिलती रहेगी, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम एक ही एक तरीके के खाने को रेगुलर कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे वसायुक्त खाना अगर कोई पर्सन ज़्यादा खाएगा तो उसमें मोटापा
उसमें ओबिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अभावजन्य रोग, अब हमारे शरीर में या हमारे खाने में अगर ये किसी एक पोषक की कमी है, किसी एक खनिज लवण की, विटामिन की कमी है, तो उसकी वजह से अगर लंबे समय तक ये जो कमी है अगर लंबी अवधि तक रहती है तो उससे उस व्यक्ति में उस चीज़ की कमी होने लग जाती है और उसके बाद में उस कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती है। अगर लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण फिर कुछ रोग होने लग जाते हैं जिनको बोलते हैं अभावजन्य रोग। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि मान लो कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक अपने भोजन में प्रोटीन पर्याप्त रूप में नहीं ले पा रहा है तो उसके कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस की बीमारी हो जाती है। अगर भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही लंबे समय तक कमी रहे तो उसकी जो वृद्धि है वो पूरी तरफ से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा और चलने में भी असमर्थ रहेगा। अब यहाँ पर कुछ विटामिन की कमी की वजह से कुछ बीमारियों के बारे में बता रखा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली उस विटामिन से रिलेटेड जो बीमारी है उसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए जो है इसकी वजह से बीमारी होती है क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, रात में आपको कम दिखाई देगा, कभी कभी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1, बेरी बेरी बीमारी होती है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन C, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D, रिकेट्स, ये जो है इसमें अस्थियां मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, मतलब दांत और जो हड्डियाँ हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। आयोडीन जो है उसकी वजह से घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है, इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। ओके, लोहा, इसकी कमी की वजह से एनीमिया, अरक्तता, इससे कमजोरी आ जाती है बॉडी में। अब इस चैप्टर का जो सार है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में मेन क्या बातें बताई गई हैं। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारा जो भोजन है उसके भोजन के कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशे जिसको वृक्षांश के नाम से जानते हैं तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए जरूरत होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में जो है वो सभी तरीके के पोषक तत्व, वृक्षांश और पर्याप्त मात्रा में जल भी होता है, मतलब इन सब की उपस्थिति होनी चाहिए संतुलित आहार में। अगर हमारे भोजन में एक लंबे समय तक किसी पोषक की कमी रहती है तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां होने लग जाती हैं और इन बीमारियों को बोलते हैं अभावजन्य रोग। तो ये इस चैप्टर का सारांश था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप एक बार व्यू कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, उनका आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये हमने बात कर ली 6th के चैप्टर 2 की, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम अपलोड करेंगे। अगर आप 6th क्लास में हैं तो इस वीडियो में जो जो चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपके, आप सभी को पता है एडमिनिस्ट्रेशन में मेंस का एग्जाम होता है और मेंस के एग्जाम में आंसर्स लिखने होते हैं, तो सबसे मेन क्वेश्चन ये रहता है बच्चों का कि हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। आपके जो चैप्टर लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर दे करके आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।